नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गणेश जोशी और मैं रहता हूँ जापान में। दोस्तों, मैं आज आपको जापान की बुक शॉप्स दिखाता हूँ। जो किताबों की दुकानें होती हैं ना, बड़ी बड़ी बुक शॉप, तो आप खुद ही देख लो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं बुक शॉप्स की। या जो नए साल के गिफ्ट कार्ड, ये जो होते हैं ना हैप्पी बर्थडे वाले कार्ड, इस तरह के हैप्पी न्यू ईयर वाले कार्ड, कार्ड गैलरीज, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, आप खुद ही देख लो दोस्तों। लेट्स सी, चलते हैं आज। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। ये है जापान की बुक शॉप। इसके अंदर हर तरह की किताबें मिल जाएंगी आपको, कॉमिक से रिलेटेड, नए साल की जो डायरियां होती हैं उससे रिलेटेड, या जो आपके JLPT के एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड, या कॉलेज स्कूल से रिलेटेड जो भी होते हैं सब यहाँ मिल जाएंगे। कॉपी किताब पेन जो भी होते हैं ना। ये देखो, ये कार्ड गैलरीज हैं, जो हमारे यहाँ कार्ड होते हैं हैप्पी बर्थडे वाले कार्ड। देखो लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे, इस तरह से होते हैं जैपनीज हैप्पी बर्थडे के कार्ड या नए साल के कार्ड। ये देख लो आप, लगभग ऐसे होते हैं, इंडिया में भी ऐसे ही होते हैं लगभग, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि जापान में लोग जो कार्ड देते हैं बर्थडे विश करने के लिए या न्यू ईयर विश करने के लिए, वो किस तरह के कार्ड होते हैं। एक जो हमारे लोग जो इंडिया में हैं उनकी एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि कैसा रहता होगा, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी देखो, ये हैप्पी बर्थडे के भी हैं। ये देखो, ये पूरा बॉक्स है, उसके अंदर क्या डिज़ाइन बना रखा होगा, जो इनका ट्रेडिशनल कुछ रहता है। ये सारी कार्ड गैलरीज हैं, बहुत बड़ी शॉप होती है यार, यहाँ बहुत बड़ी शॉप है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा डिटेल में, लास्ट तक वीडियो में बने रहना दोस्तों। बहुत समय लगेगा अगर आपको यहाँ पूरी अगर शॉप में देखना होगा, तो कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे आपको, अगर आपको हर कॉर्नर पे जाना होगा। ये देखो, ये डुप्लीकेट्स होते हैं। देखो ये सुशी है, जो प्लास्टिक की बनी होती है ना, सेम ऐसे लगता है जैसे अंडा है, देखो वहाँ पे रखा हुआ। ये देखो बियर की जग्गी रखी हुई है, तो सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। ये भी देखो, ये भी कार्ड ही हैं, न्यू ईयर के कार्ड होंगे शायद ये, देख सकते हैं दोस्तों आप। ये देखो लोग लगे हुए हैं, बच्चे भी आ रखे हैं, बच्चों की भी होती हैं कॉमिक्स वगैरह, या छोटी छोटी जो भी और किताबें होती हैं इनकी, मांगा जो बोलते हैं इनको, बच्चे भी काफ़ी आए रहते हैं यहाँ। ये देख लो दोस्तों, ये सब लकड़ी के बने हैं कुछ, इनको क्या बोलते हैं, डाइए हैं ये कुछ, इनके जो होते होंगे पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशनल होते हैं डाई, वो सब बने हुए हैं लकड़ी से। ये सब गिफ्ट में देते हैं लोग एक दूसरे को ना, अगर गिफ्ट में देना है कोई चीज़ें, तो ये सब इस तरह से बने रहते हैं। देखो ये क्या बना हुआ, कछुआ टाइप का। ये मैंने अपनी अभी आज मैं अपनी जैपनीज़ की बुक के लिए आया था, N2 की थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ, N3 तो मैंने बताया था आपको, निकाल दिया। ये देखो, ये जापान का नेशनल स्टेडियम का ये देखो स्टैचू बना हुआ है। ये भी सब गिफ्ट में देते हैं लोग एक दूसरे को ना, इसको शादी में हो गया, पार्टी में हो गया, कोई भी किसी का बर्थडे हो गया, तो इस तरह से देते हैं लोग। मैंने सोचा चलो आज आपको जैपनीज़ बुक शॉप दिखा दूं कि कितनी होती है बड़ी। थोड़ा कम है, भीड़ भाड़ कम है कोरोना की वजह से, वरना यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। देखो बच्चा पार्टी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना दोस्तों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।